हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरलोडिंग के बारे में। ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग है ना, आप ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मेथड बाय डेफिनेशन हम इसे क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग इज अ फीचर दैट अलाउ अ क्लास टू हैव टू और मोर मेथड हैविंग सेम नेम इफ द आर्ग्यूमेंट जो होता है इट्स लिस्ट आर डिफरेंट। ओके, तो इन शॉर्ट हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ओके, क्योंकि कहीं आपको डेफिनेशन पूछता नहीं है तो आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं। तो डेफिनेशन ये एग्जैक्टली क्या है? ये डेफिनेशन ये बोल रहा है कि मेथड ओवरलोडिंग जो होता है ना आपका, वो आपको अलाउ करता है कि आप सेम नेम से दूसरे दूसरे मेथड का नेम रख सकते हो। मतलब वो जो नेम रहेगा ना वो सेम रहेगा, ठीक है, और उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावा उसको रीड कर लेगा आराम से, उससे कुछ परेशानी नहीं होगी, आराम से सब चलेगा, प्रोग्राम वगैरह ये सब। इसी चीज़ को आपको बोलते हैं, ये जो फीचर है ना इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओके, भले ही उसका वो जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो, लाइक आपका पैरामीटर, वो जो आर्ग्यूमेंट रहता है अंदर का, वो लाइक आपका पैरामीटर्स या फिर आपका जो फंक्शंस आप लिखते हो ब्लॉक के अंदर, वो सब डिफरेंट हो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ मेथड आर यूज टू इम्प्लीमेंट अ सिंगल इंटरफेस इन जावा, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है कि आप नंबर ऑफ मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंगल इंटरफेस को, और वो जावा में कर रहे हो तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। इफ़ डिफरेंट फंक्शन नेम आर यूज फॉर सिमिलर ऑपरेशन देन द यूज़र मे हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड दे रिक्वायर्ड टू रिमेंबर अ नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब उसे इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एक तो लाइक स्विच केस में ही आपको क्वेरी दे दे कि एक आपको मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है तो सही है, बट वहाँ पे आपको जब ऑप्शन देगा ना वहाँ पे वो एग्जैक्टली आपको ये बोल दे कि इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग कि प्रेस वन टू ऐड, प्रेस वन टू टू सब्ट्रैक्ट, ऐसे करके देने की जगह वो डायरेक्टली आपको ये बोल दे प्रेस वन टू परफॉर्म अ फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन, प्रेस टू टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शन। मतलब वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहा, तो उसके बाद ये आप रैंडमली चला जाएगा, ठीक है, पर आप उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो ये वाला जो चीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। पर यूजुअली अगर आपको किसी का भी वॉल्यूम निकालना है, लाइक वॉल्यूम या फिर आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप सर्टेन फंक्शन इन्वोक कर दोगे और वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट रहेगा ना नीचे कंस्ट्रक्टर में, तो फिर आप उसे इन्वोक कर दोगे तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि आप उसे बुला रहे हो, और उसे बुला रहे हो तो वो डेटा को आप ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। मतलब थोड़ा टिपिकल हो जाता है ये चीज़ कि डेटा आप इन्वोक कर रहे हो, फिर वो ऊपर गया, फिर वहाँ पे वो कैलकुलेशन करके रख के उसे प्रिंट किया, ठीक है, तो यूजुअली यही चीज़ रहता है। फिर एक और चीज़ है, द पैरामीटर यूज इन द फंक्शन हेडर आर नोन एज फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, जो हेडर में यूज़ होता है ना आपका फंक्शन, आपका हेडर, तो उसे बोलते हैं फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है, और वो डिफर कैसे करता है, नंबर ऑफ पैरामीटर पे। नंबर टू है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप। मतलब यूजुअली आपका वो तो क्या रहेगा ना कि सेम रहेगा, ठीक है, आपका मेथड तो सेम रहेगा, तो वो नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफर कर देता है। फिर डेटा टाइप है, अब एक में इंट है, एक में फ्लोट है, एक में डबल है, तो वो या फिर ये सब मैथमेटिकल है। अगर हम कैरेक्टर वाइज लेते हैं तो एक में स्ट्रिंग है, एक में कैरेक्टर है, मतलब आई मीन वर्ड वाइज लिटरेचर वाइज अगर हम कंसिडर करें तो लैंग्वेज वाइज आपका जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उस वाइज कंसिडर करें तो वो कैरेक्टर मिलेगा या फिर वो स्ट्रिंग मिलेगा, तो वो वहाँ डिफर कर जाएगा। फिर ये सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, ओके, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट अगर मतलब कम है ज़्यादा है, फिर उसके बाद डेटा टाइप, फिर उसके बाद सीक्वेंस कैसे वो प्रेजेंटेड है, ठीक है, वो भी ध्यान में रख के करना होता है, ठीक है। फिर मेथड ओवरलोडिंग इज नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
फिर हम दो तीन प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए टोटल प्रोग्राम आपका। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। ठीक है, यूजुअली प्रोग्राम नहीं है ये, आपका एग्जाम्पल ही कंसिडर होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर इन आर्ग्यूमेंट, हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जब कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है मेरा ये जस्ट एक सिंपल सा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस छोटा सा एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आपका ओवरलोडिंग में मैंने क्या किया है, ये एक मेथड है और ये भी एक मेथड है। अब ये दोनों मेथड है, फिर इसमें तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट अगर मैं डिफर रहता तो मैं इसे बोलना क्या चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे एक है बट यहाँ और यहाँ दो है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है डिफरेंट है, ये प्रिंट कर रहा है सिर्फ एक वैल्यू को, पर यहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू और एक नंबर वैल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ होता है आर्ग्यूमेंट का लिस्ट डिफर करना। और ये देखिए यहाँ पे उसका वो आपका क्लास लिखना है आपने, फिर उसके बाद मेन फंक्शन, फिर उसके बाद ओवरलोडिंग हुई है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉल होके ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज और उधर भेज दिया गया है। अब ये दूसरा, ठीक है, ये डिफर इन डेटा टाइप। डिफर इन डेटा टाइप से मेरा मतलब क्या है, ये दूसरा है प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, इसको बेसिकली फंक्शन कॉल बोलते हैं। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट में आपकी वैल्यू भेज रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, आपका ये वहाँ पे जाके ये वैल्यू जाके सीधा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो ये वैल्यू जाके सीधा इसको वो इन्वोक करेगा। ठीक है, ये अपना सुटेबल टाइप ढूंढेगा और उधर अपना वैल्यू भेज देगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला था डिफर इन डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या है। ठीक है, डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट आपका जो रहेगा ना वो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, देखिए फंक्शन सेम है, वॉइड डिस्प्ले एंड यहाँ पे भी डिस्प्ले है। ठीक है, एक्चुअली डिस्प है उसे डिस्प्ले मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यहाँ पे सही से आया है। यहाँ पे सारा जहाँ सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम का एस कैपिटल है, एक्सेसिफायर जो होता है आपका स्मॉल होना चाहिए तो वो स्मॉल आया, क्लास का सी आपका स्मॉल होना चाहिए तो वो स्मॉल आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मतलब कि मेरा एक मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर भेजा और यहाँ पे एक इंटीजर भेजा है और यहाँ पे मैंने उसे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो ढूंढेगा जहाँ पे उसे कैरेक्टर मिलेगा वो वहाँ पे वैल्यू भेजेगा और जहाँ पे उसे इंटीजर मिलेगा वो वहाँ पे वैल्यू भेजेगा। अभी थर्ड क्या है, सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस मैंने आपको पहले अच्छे से इसलिए नहीं बताया कि एग्जाम्पल में आपको थोड़ी समझने में आसानी होती, इधर उधर वैल्यू करके जाना वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मतलब आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, बट एग्जाम्पल देख के आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऑल दैट, पर यहाँ पे जो हुआ है वो है कि मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं। ठीक है, दोनों आर्ग्यूमेंट लिए, दोनों कैरेक्टर लिए हैं और नंबर लिए हैं, यानी इंटीजर लिया है मैंने, बट यहाँ पे पहले कैरेक्टर है फिर इंटीजर है, फिर यहाँ और दूसरे फंक्शन में मेरा नंबर है और फिर कैरेक्टर है। ठीक है, तो यानी ये सीक्वेंस जो है आपका, मतलब ए बी सी डी, तो उसके बाद ये ए सी ऐसे ए बी ऐसे करके इंटरचेंज करके हम उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं कि वो आराम से उसे रीड कर लेगा और जब वो उसे जहाँ वो मिलेगा अपना रिलेटेड जहाँ वो वैल्यू भेज सके वो भेज देगा जब आप इसे इन्वोक करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसे इन्वोक करोगे। सो फ्रेंड दिस इज इट, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।